व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीसी टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंटरनल हार्ड ड्राइव को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफॉर्म किया जाए। इस ट्रिक के मदद से आप अपने पुराने ख़राब लैपटॉप और कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करके आप उसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बदल पाएंगे। तो गाइस, इंटरनल हार्ड ड्राइव को एक्सटर्नल में बदलने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। पहला, आपके पास एक पुराना हार्ड ड्राइव होना चाहिए। दूसरा, आपको एक हार्ड डिस्क इनक्लोज़र परचेज करना होगा जो कि 1000 के अंदर में मिल जाएगा। मैं कुछ अच्छे हार्ड डिस्क इनक्लोज़र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये रहा हार्ड ड्राइव और ये रहा हार्ड ड्राइव की फिटिंग, जिसे आपको इस तरह से हार्ड ड्राइव में फिट करना होगा। हार्ड ड्राइव के पावर को फिट कर लेने के बाद आपको हार्ड ड्राइव को इस इनक्लोज़र के प्रोटेक्टिव केस के साथ सेट करना होगा। उसके बाद हार्ड ड्राइव को आपको इनक्लोज़र में फिट करके बंद करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तैयार हो चुका है, जिसे आप इस्तेमाल अब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।